टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के आयात के लिए शुल्क दर कोटा TRQ खाद्य तेलों की सुचारू आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है। उद्योग मंडल सी ने बृहस्पतिवार को मांग की कि सरकार TRQ प्रणाली को लागू करने के बजाय सितंबर तक इन दो प्रमुख खाना पकाने के तेलों पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दे। TRQ आयात की मात्रा के लिए एक ऐसा कोटा है जो निर्दिष्ट यह शून्य शुल्क पर भारत में प्रवेश करेगा, लेकिन कोटा के पहुंचने के बाद अतिरिक्त आयात पर सामान्य शुल्क लागू होता है। सरकार ने 24 मई को वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के TRQ को अधिसूचित किया था। मुंबई स्थित सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सी के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने खाद्य सचिव सुधांशु पांडे को लिखे एक पत्र में कहा कि TRQ शुरू करने के पीछे सरकार की मंशा देश में खाद्य तेल आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों में नरमी लाने की है, लेकिन इससे आयात में कमी आ सकती है। बाजार में TRQ का वास्तविक प्रभाव इसके लागू होने के 2 से 3 महीने बाद ही महसूस किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीच की अवधि में खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि की संभावना भी है, क्योंकि भारत में त्योहारी सीजन जल्द शुरू होने वाला है और बारिश शुरू होते ही खाद्य तेलों की खपत भी बढ़ ही जाती है। अतुल चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि सरकार 40 लाख टन सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का TRQ जारी करके खुद को बांध रही है। उन्होंने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट आती है, जो एक संभावना है, तो हमें आयात शुल्क बढ़ाने में परेशानी होगी और इससे घरेलू तिलहन की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। इसी पृष्ठभूमि में सी के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि सरकार TRQ जारी करने के बजाय इन दोनों खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को सितंबर तक के लिए शून्य कर सकती है। इसका घरेलू खाद्य तेल कीमतों पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। सरकार सितंबर में स्थिति की समीक्षा भी कर सकती है और खरीफ में तिलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त फैसले ले सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वैश्विक तेल की कीमतें दबाव में हैं और इंडोनेशिया को भी निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उनके भंडारण टैंक भरे हुए हैं। अगर सरकार केवल सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क कम करती है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि पाम तेल की कीमतों में गिरावट आए और इस गिरावट का असर सभी खाद्य तेलों पर भी दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।